और कल ही मेरा शादी हुआ, पर आज एग्जाम है तो देना तो पड़ेगा ही। लिखते एकदम इतना हालत खराब हो गया था, लेकिन अच्छे से एग्जाम गया है सारा। आप एग्जाम दे चुकी है, कैसा गया एग्जाम? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, 80 में एकदम 70 प्लस। क्या क्या लगता है 80 में कितने मार्क्स आएंगे? 80 में वही 50-60 के बीच में आना चाहिए। 80 में कितना आएगा पता नहीं, पेज भरना था, पेज भर नहीं पाए, क्वेश्चन सब लिखे हैं। पासिंग मार्क्स लगभग आ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूँ प्रियंका और मैं आपको बताऊँ कि सेमेस्टर 2 BBMKU का एग्जाम चल रहा है और आपको बच्चे यहाँ पर दिख रहे होंगे, भारी मात्रा में बच्चे जो है एग्जाम देने आए हैं और इनसे हम पूछ के जानेंगे और समझेंगे कि आखिर जो एग्जाम था वो किस तरीके का था और जो कोर 3 का एग्जाम था वो किस तरह का गया है। यहाँ पे कई बच्चे जो है बाहर आ रहे हैं, हम लगा बारी बारी सबसे बात करेंगे। किस तरह गया एग्जाम आपका? ठीक गया। क्या किस चीज़ का एग्जाम था? हिस्ट्री ऑनर्स पेपर। अच्छा, क्या टफ पेपर था या नॉर्मल था? नॉर्मल था। ऐसे ही कई बच्चे हमारे साथ अभी मौजूद है और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं क्या आखिर उनका एग्जाम कैसा गया। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा एग्जाम गया हम लोग का इस बार। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देने आए थे? मैथ का। मैथ्स का एग्जाम था, टफ पेपर था या ओके ओके था? नहीं नहीं, टफ नहीं था, जो मतलब सीरियस था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन ही इजी था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था इस बार। और अगले एग्जाम की कैसी तैयारी चल रही है? एग्जाम की तो अच्छा तैयारी चल रहा है, अब देखते हैं कितना लड़ेगा कि हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, अब पता चले एग्जाम देने के बाद कैसा हम लोग आई है, क्वेश्चन कैसा पूछेगा, उसके ऊपर भी निर्भर करता है हम लोग का। ऐसे ही कई बच्चे यहाँ पर हैं जिनसे हम लोग बारी बारी पूछेंगे। आप कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देने आई थी? हिंदी ऑनर्स। कैसा गया एग्जाम? अभी दिया ही नहीं। अभी आप देने आई है, कैसी तैयारी है? अच्छी है। अच्छी चल रही है। आपका कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम था? मेरा भी हिस्ट्री ऑनर्स था और आज एग्जाम बहुत ही अच्छा गया, बल्कि पेपर था वो बहुत ज्यादा था और लिखने के लिए भी बहुत ज्यादा मिल गया था, फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से एग्जाम दे कर आए हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाथ दुख रहा है या नहीं दुख रहा है? बहुत ज्यादा, ये पेन ऐसे पकड़े थे ना तो ये पेन ऐसे ही रह गया था और लिखते लिखते एकदम इतना हालत खराब हो गया था, लेकिन अच्छे से एग्जाम गया है सारा। हमारे साथ एक युवती है, आपको बताओ कि ये शादी के अगले दिन ही एग्जाम देने आई है, कैसा एक्सपीरियंस है? शादी के अगले दिन आप एग्जाम सेंटर पहुँच गए, पढ़ाई की ललक किस तरह से है, कैसा लगता है? पढ़ाई को लेकर तो बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, इसलिए तो एग्ज़ाम देने आए हैं और कल ही मेरा शादी हुआ, पर आज एग्ज़ाम है तो देना तो पड़ेगा ही। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहता है? घर वालों का सपोर्ट पूरा फुल सपोर्ट है। ऐसे ही कई बच्चे हैं और लोग हैं जो आए हैं एग्ज़ाम देने। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? मैम हम लोग तो अभी एग्जाम नहीं दिए हैं, हम लोग सिर्फ आए हुए हैं एग्जाम देने के लिए। अभी आप सेंटर के अंदर जाएंगे, किस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है? हिंदी ऑनर्स के लिए। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी तो ठीक चल रही है। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दे रही थी? हिस्ट्री ऑनर्स। कैसा गया एग्जाम? अच्छा ही गया। अच्छा, टफ था या इजी था? टफ ही था। अच्छा, कैसा गया एग्जाम आपका? मैम अभी हमको अंदर जाना है। अच्छा, आप एग्जाम दे चुकी है, कैसा गया एग्जाम? हम लोग का मैथ ऑनर्स है, मैथ में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया कि अधिकतर बच्चा लोग मतलब मान के चलो 80 में 70 तो खूब मैंने घुसा दिया है, अगर कटा नंबर मान के चलो 60 ना सब पहले सबका इस बार मैथ ऑनर्स पेपर 3 का। अच्छा, आपका कैसा गया एग्जाम? मेरा भी बढ़िया गया, एकदम सब क्वेश्चन बना ले। कितना मार्क्स लाने वाले हैं? हाँ वो तो अब रिजल्ट में पता चलेगा, लेकिन 80 में कितना? 80 में एकदम 70 प्लस। ऐसा क्या एग्जाम आपका? एग्जाम ठीक गया, बट हम लोग का सिलेबस पूरा नहीं किया गया था BBMKU के द्वारा, ना पढ़ाया गया ना कक्षा का संचालित किया गया, कुछ भी नहीं किया गया, डायरेक्ट एग्जाम लेने चला आया। इसके बाद हम लोग ने ट्विटर पर कैंपेन भी चलाया था, बट उसका कोई कारण नहीं रह गया। एक धनबाद के बाबू महतो नाम का था, उसने और मैंने दोनों ने मिलकर चलाया था कैंपेन, उसमें कोई सफल नहीं रहा, फिर हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे लेकिन नहीं किए, बोले कि एग्जाम अब देना है तो किसी तरह एग्जाम दिया। आपका कौन सा सब्जेक्ट है? हिस्ट्री है, सेमेस्टर 2। क्या क्या लगता है 80 में कितने मार्क्स आएंगे? 80 में वही 50-60 के बीच में आना चाहिए। एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देके? सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट और हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स में कैसे क्वेश्चंस कैसे आए? टफ था, इजी था? इजी था। अच्छा, कितना लगता है 80 में कितना आएगा? पता नहीं, पेज भरना था, पेज भर नहीं पाए, क्वेश्चन सब लिखे हैं, कंप्लीट है। तब भी क्या लगता है 80 में कितने मार्क्स आ जाएंगे? मार्क्स का पता नहीं, बट पासिंग मार्क्स आना चाहिए। आपका क्या ऑनर्स था? हिस्ट्री ऑनर्स। अभी हिस्ट्री का एग्जाम देने आई थी। हाँ। आपका कितना मार्क्स आ जाएगा? लगभग आ जाएगा, पासिंग मार्क्स लगभग आ जाएगा। इसी तरह कई बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और मैं कुछ बच्चों से बात कर पाई जिनसे हमने जाना, और सबका यही कहना है, कुछ हिस्ट्री के थे, कुछ मैथ्स के थे जिनसे हमने बात की, उनका यही कहना है कि जो एग्ज़ाम था और जो पेपर था वो इजी था और उनका अच्छा एग्ज़ाम गया है, और कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को लगता है कि वो शायद 80 में 80 स्कोर कर सके। और ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जिले की कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।